हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्लस्टर करियर। मेरा नाम है ऋषितोष और आज की वीडियो होने वाली है एक बहुत ही बड़ा बिगेस्ट अपडेट इन द यूजी एडमिशंस। क्योंकि आप लोग अगर आप सोच रहे हैं कि आप एडमिशन लेने जा रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में 2021 में, और आपका कुछ प्लान है किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए, जैसे कि होता है एंट्रेंस एग्जाम, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, तो यहाँ पर अब कुछ बदलाव होने हो सकते हैं। एक बड़ी अपडेट आई है, ऐसा हो सकता है कि एक बड़ा बदलाव हो, तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, बात कर लेते हैं कि क्या वो ऐसी बड़ी अपडेट है जो आई है इस समय और एक तहलका सा मच गया है हर जगह सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को लेकर। तो गाइस, सबसे बड़ी जो अपडेट अभी मेरे सामने आई और मुझे पता चला है कि जो आने वाला ईयर है 2021, इसमें जो एडमिशन्स प्रोसेस होने वाला है इसको लेकर एक चेंजेस आ रहा है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि अब जैसे पहले होता था, हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना अपना एक एडमिशन के लिए एग्जाम कराती थी, कंडक्ट कराती थी, जिसके थ्रू वो अपने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेती थी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा है कि क्यों ना इन सारे एग्जामों को एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के रूप में बनाकर एक सबके बेसिक कॉमन बना दिया जाए एग्जाम, जिससे कि उसी के बेसिस पर बच्चों का सिलेक्शन होगा और डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो कि सेंट्रल के द्वारा चलाई जाती हैं, उनमें एडमिशन होगा बच्चों का। सो गाइस, एक बहुत बड़ा प्लान लिया गया। इसके लिए एक 7 मेंबर्स की कमिटी बनाई गई है, जिसमें जिसको हेड करेंगे पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और इसके साथ साथ इसके अन्य मेंबर होंगे यहाँ पर अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, जैसे कि BHU हो गया, JNU हो गया, इन सभी के वाइस चांसलर इसके मेंबर होंगे। इन सबको कहा गया है कि ये सभी अपनी अपनी रिकमेंडेशन, अपने रिपोर्ट तैयार करें और विद इन अ वीक इसको प्रेजेंट करें, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी के हेडेड हैं और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनके फ्रंट में दिया जाए और ये लोग डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को भी दिया जाए, ताकि ये लोग सजेस्ट कर सके कि आने वाले टाइम में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, AMU हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो इन सभी में जो एडमिशंस होते थे, इनके लिए एग्जाम होते थे, जैसे कि सबसे बड़ा JNU खुद का कराता था, तो यहाँ पर हो सकता है कि अब एक एग्जाम होगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसके बेसिस पर ही आप सभी लोगों को इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा पूरे देश भर में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो गाइज, बने रहिए मेरे साथ, जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है और इसके रिगार्डिंग कुछ कंफर्मेशन आती है, मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिए और इस वीडियो की जो न्यूज अपडेट आई है ये अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि वो लोग भी जान सकें कि आगे कैसी प्रिपरेशन अपनी इसी के अकॉर्डिंग बना सकें। तो गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।